अंशु राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। महाराष्ट्र के सियासी संकट से आप सभी बखूबी वाकिफ हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि महाराष्ट्र में शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे अपनी सत्ता को गवा चुके हैं और इस वक्त वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। 16 विधायकों के अयोग्य ठहराने का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। 27 सितम्बर के दिन अगली सुनवाई होने वाली है और चुनाव आयोग में इस वक्त शिवसेना की चुनाव चिन्ह को लेकर जंग छिड़ी हुई है। असली शिवसेना किसकी है, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की या फिर पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की, ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। लेकिन इसी बीच देखा जाए, जहां एक तरफ उद्धव ठाकरे का गुट कमजोर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है दिन पर दिन, वहीं दूसरी ही तरफ एनसीपी के प्रमुख शरद पवार अपनी पार्टी को बिखरने से बचाने के लिए तमाम रणनीतियां अपना चुके हैं और उनका प्रयास लगातार जारी है। लेकिन यहाँ पर अब रार पड़ती हुई दिखाई दे रही है कांग्रेस खेमे में। जी हाँ, महाराष्ट्र में कांग्रेस खेमे में अब दरार पड़ती हुई दिखाई दे रही है। बीते कई दिनों से खबरें आ रही हैं कि कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता हैं जो अब या तो शिंदे गुट में शामिल हो सकते हैं या फिर बीजेपी की तरफ रुख कर सकते हैं। इसी पर चर्चा करेंगे इस रिपोर्ट के जरिए। जी हाँ, कांग्रेस की हाईकमान सोनिया गांधी इस वक्त तमाम बड़ी दिक्कतों का सामना कर रही है। कई ऐसे दिग्गज और वरिष्ठ नेता रहे हैं जो पार्टी का दामन छोड़ चुके हैं और बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। वहीं अब महाराष्ट्र में भी यही नजारा देखने को मिल सकता है। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव होने वाले हैं और साल 2024 में लोकसभा चुनाव है। ऐसे में देखा जाए तो फेर बदल पार्टियों में देखने को मिल रहे हैं। इसी बीच आपको बताना चाहेंगे कि जो तमाम नाम सामने आ चुके हैं, जो अब सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए किसी झटके से कम नहीं माने जा सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पश्चिम महाराष्ट्र से कांग्रेस के दिग्गज नेता पतंगराव कदम के बेटे विश्वजीत कदम भी अब आने वाले दिनों में बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें, विश्वजीत कदम महाविकास अघाड़ी सरकार में राज्य मंत्री रह चुके हैं। वह महाराष्ट्र के सांगली जिले के एक बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं। वहीं साथ ही साथ आपको बता दें कि विश्वजीत कदम के साथ साथ अशोक चव्हाण, असलम शेख जैसे बड़े कांग्रेसी नेता को लेकर भी खबरें आ रही हैं कि वह अब बीजेपी की तरफ रुख कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक ये भी दावा किया जा रहा है कि अशोक चव्हाण के साथ साथ उनके 3 करीबी विधायक भी कांग्रेस का दामन छोड़ सकते हैं। इस तरीके के दावे किए जा रहे हैं। लेकिन इन अटकलों के बीच और भी दावे किए गए हैं कि कांग्रेस के 2 पूर्व मंत्री शिंदे कैबिनेट में अब शपथ ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन ये कौन है, इनके नाम अब तक सामने नहीं आए हैं। आपको बता दें, कहा जाता है कि 31 अगस्त को शिंदे गुट के नेता के घर ये मीटिंग हुई। अशोक चव्हाण के बारे में अटकलें फिलहाल जारी हैं। फिलहाल देखा जाए तो यहाँ पर तमाम अटकलें जारी हैं और यहाँ पर अशोक चव्हाण ने कांग्रेस छोड़ने की बातों को सिरे से खारिज भी किया था और उन्होंने कहा कि देवेंद्र फडणवीस से जो उनकी मुलाकात हुई थी वह राजनीतिक नहीं थी। वहीं दूसरा ही नाम सामने आया, असलम शेख। बताया गया है कि असलम शेख बीजेपी नेता मोहित कंबोज के साथ पहले ही देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर चुके हैं। ऐसे में देखा जाए तो तमाम खबरें सामने आ रही हैं। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने भी इन खबरों को अफवाह बताया है, गलत बताया है कि कांग्रेस में फूट पड़ेगी। उन्होंने कहा कि हम महंगाई, बेरोजगारी से लेकर यहां पर तमाम मुद्दे उठा रहे हैं और फिलहाल उन्होंने कह दिया है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कि ये भारत जोड़ो यात्रा जो शुरू होने वाली है, इस बीच ऐसी खबरें फैलाई जा रही है। फिलहाल देखा जाए तो यहाँ पर तमाम खबरें सामने आ रही हैं और ऐसे में ये तमाम नाम सामने आ चुके हैं। फिलहाल अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक ये दावे किए जा रहे हैं, लेकिन अगर वाकई में यह बीजेपी की तरफ रुख करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी इनका स्वागत जरूर करते हुए नजर आ सकते हैं अगर ये बीजेपी की तरफ रुख करना पसंद करते हैं। खैर, ये तो वक्त के साथ साथ पता चलेगा। अगर ये वाकई में बीजेपी में शामिल होते हैं तो यहाँ पर सोनिया गांधी के लिए किसी झटके से कम नहीं माना जा सकता है। मालूम हो कि इस वक्त अध्यक्ष पद को लेकर कांग्रेस खेमे में काफी ज्यादा विचार विमर्श किया जा रहा है। इस रिपोर्ट में इतना ही, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।